नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय उसी होटल के अंदर नताशा भी मौजूद है, जिसमें पहले से ही प्रीता और अर्जुन डिनर कर रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरा लूथरा परिवार डरा हुआ है कि आखिरकार यहाँ पे कुछ ऐसा घटना घटित ना हो जाए कि जिससे कुछ अलग हो जाए। लेकिन दोस्तों, इधर नताशा को पता चल चुका है कि ये अर्जुन कोई और नहीं है बल्कि ये करण ही है, फेमस क्रिकेटर करण लूथरा ही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि नताशा इतने दिन से गायब थी, लेकिन सडनली नताशा का भी एक बार फिर से आगमन हो चुका है कहानी के अंदर। आप लोग जानते ही हैं कि नताशा एक ऐसी शख्सियत रही है जो हमेशा दूसरों को कहीं ना कहीं गिराने में लगी हुई होती हैं, और करण को पाने की जो जिद थी नताशा की वो तो फेल हुई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोग जान पाएंगे कि आने वाली कहानी में और भी बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीका से लगातार नताशा बहुत ही घटिया खेल खेलती हुई नजर आने वाली है एक बार फिर से प्रीता और साथ में अर्जुन के खिलाफ। साथ ही दोस्तों, उधर अभी जल्द ही निकलने जा रहे हैं ऋषभ, क्योंकि ऋषभ इसलिए निकलेंगे, ऋषभ को शक हो चुका है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों सैलन से पूछ ही लिया था, और सैलन से पूछने के बाद में अब सीधा सीधा यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ। और ऋषभ का मानना ये है कि कुछ भी हो लेकिन अर्जुन और प्रीता के साथ में कुछ भी खरोच नहीं आनी चाहिए। और वाकई में दोस्तों, ऋषभ जितना प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ऋषभ का मानना भी ये है कि करण और प्रीता हमेशा एक दूसरे के साथ में खुश रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों की खुशी में उनकी खुद की खुशी छुपी हुई है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।